हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे या गूगल अकाउंट पे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा यही कि अगर आपका आईडी का कोई पासवर्ड भी जान जाता है फिर भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसलिए लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जो जब लॉगिन करने के लिए वो ईमेल आईडी आपका डालेगा वहाँ पर, तो आपके फ़ोन पे उसका ओटीपी आएगा। जब तक वो ओटीपी वहाँ पे सबमिट नहीं होता है तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ऐसे होता है कि आप आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं लॉगिन कर पाते हैं, लेकिन जब टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर देंगे तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद भी आपको ये जो ओटीपी आएगा ओटीपी डालना होगा, फिर आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। तो कैसे आपको इनेबल करना है? सबसे पहले क्या करना है, अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर में आपका जो यहाँ पर लोगो दिखेगा इस लोगो पे क्लिक करना है। फाइनली इस लोगो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे करना है मैंने जोड़ गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप मैंने जोड़ गूगल अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरफ खींचना है, इस तरफ खींचते हुए आना है। इस तरफ खींचते हुए आने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन एक दिख जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए आना है, स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन। तो मेरा यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ पे ऑफ बता रहा है, मैंने यहाँ पे अभी ऑन नहीं कर रखा है। तो मैं आपको अभी ऑन करके दिखाऊंगा, मेरे चैनल पे अभी ये टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है। तो ऑन करने के लिए क्या करना है, फाइनली आपको इसी पर क्लिक कर देना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन वाले पे। जैसे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन वाले पे ऑन क्लिक करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा इस तरह, तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप पे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आप आपका अगर कोई पासवर्ड भी जान जाता है फिर भी आपका आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएगा, तो इस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर गेट स्टार्ट का बटन दिख जाएगा, इस गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो क्या करना है, अपने आईडी का यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर देना है। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। तो फाइनली मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो क्या करना है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो अगर मोबाइल नंबर इसमें ऐड नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर को ऐड कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको मैसेज लेना चाहते हैं, एक मैसेज देगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ से मैसेज, टेक्स्ट मैसेज लेना चाहते हैं या फिर फ़ोन से मैसेज लेना चाहते हैं, आपका कोड आएगा, वो कोड यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ओटीपी। तो हम यहाँ पर मैसेज पर सेलेक्ट कर देते हैं। मैसेज पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम सेंड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ओटीपी आएगा, एक ओटीपी वहाँ पे ये डालना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, इस ओटीपी को हम यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे कोड अपना डाल दिया है। कोड डाल देने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपका जो वेरीफिकेशन है यहाँ पर ऑन कर दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हम फाइनली इस पर ऑन वाले पर क्लिक करेंगे, टर्न ऑन, टर्न ऑन पे क्लिक करने फिर से आपको यहाँ पे इस तरह ऑप्शन आएगा। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है ऑफ करने का ऑप्शन, वहाँ पे ऑफ करने का ऑप्शन दिखा रहा है, इसका मतलब आपका जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैक आ चुके हैं सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि मेरा जो टू स्टेप वेरिफिकेशन उस समय ऑफ था और अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब ऑन हो चुका है, अब आप आईडी अपना लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको ओटीपी मिलेगा उस फोन पे, उसके ओटीपी को डालेंगे उसके बाद ही चैनल को लॉगिन कर पाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।